ये जो पूरा चुनाव लग रहा था कि कोई अचानक भूगोल बदल गया और झारखंड पश्चिम बंगाल हो गया। ऐसा कल्पना सोरेन जैसी जो लीडर हैं वो झारखंड में और भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही है और ये झारखंड नहीं पूरे देश को बड़ा अच्छा लगा कि एक यंग महिला लीडर भारत के लोकतंत्र में। जयराम महतो के बारे में क्या कहेंगे? कि भाई जयराम महतो भी जनता की उम्मीदों के अनुरूप आगे बढ़ें और काम करें, आदिवासियों को मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम को आदिवासी के खिलाफ भड़काने और अविश्वास का माहौल बनाने की जो कोशिश हुई तो झारखंड ने इसको समझ लिया। नमस्कार, आप जीएन भारत देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं। दीपंकर जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत। नमस्कार सर। जिस तरह से झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ और नतीजे जो है वो तो आप जान ही रहे हैं कि जो नतीजे जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए, अच्छी सीटें आई, भाजपा को शिकस्त मिली और लगातार आप भाजपा पर हमलावर भी रहे हैं, तो ऐसे परिणाम आने के बाद क्या कहेंगे? नहीं, परिणाम तो सिर्फ शिकस्त मिली नहीं, हमें लगता है निर्णायक जनादेश, बहुत ज़बरदस्त जनता ने जनादेश दिया और इसमें सिर्फ हार जीत वाली बात नहीं है। भाजपा ने जिस तरीके की कोशिश की थी कि यहाँ अदानी राज थोपने की कोशिश, और अदानी राज थोपने के लिए झूठ का, नफरत का सहारा लिया गया, तो भाजपा झारखंड की जनता ने दोनों काम किया, अदानी वाले एजेंडे को रोका और ये नफरत और झूठ का जो एजेंडा था सिरे से इसको खारिज कर दिया। जिस तरह से जनता की बहुत जागरूकता और परिपक्वता का परिचय इस चुनाव में दिखा और हमें लगता है कि झारखंड की जनता को निश्चित तौर पर इसके लिए हमको बार बार सलाम करना चाहिए। मतलब अंदेशा है जिस तरह से जो बातें चल रही थी, कटेंगे बटेंगे, इस तरह के जो स्लोगन जो भाजपा उठा रहे थे, इस पर आप सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल, ये जो पूरा चुनाव लग रहा था कि कोई अचानक भूगोल बदल गया और झारखंड पश्चिम बंगाल हो गया और यहाँ बांग्लादेश पर बात होने लगी, तो ये पूरा भूगोल, इतिहास, सब कुछ को किनारे करके, ताक पर रख करके, एक बांग्लादेशी घुसपैठ का हवा खड़ा करके, आदिवासियों को मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम को आदिवासी के खिलाफ भड़काने और अविश्वास का माहौल बनाने की जो कोशिश हुई तो झारखंड ने इसको समझ लिया और कहीं भी उनको एक इंच भी जगह नहीं मिली ऐसे झूठे प्रचार को। सर, वाम दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है इस चुनाव में, तो इसको लेकर कितने उत्साहित हैं और आगे जो है चुनाव होने वाले हैं तो क्या कहेंगे? नहीं, अभी देखिए हमारा जो प्रदर्शन है मोटे तौर पर ठीक है। चुनाव से पहले मासस और माले का जो विलय हुआ इससे ज़रूर लोगों की उम्मीद जगी थी कि धनबाद फिर से खड़ा होगा, और धनबाद फिर से खड़ा हुआ, निर्सिया सिंदरी दोनों सीट पर लाल झंडे की जीत हुई और बीजेपी धनबाद में हाफ हो गई, बोकारो में बीजेपी साफ हो गई, लेकिन गिरिडीह में अभी भी बीजेपी और ख़ासकर बगोदर में जो हमारी हार हुई, धनवार में तो हम लोग एक होकर लड़ भी नहीं पाए, दोस्ताना संघर्ष हो गया, तो निश्चित तौर पर बगोदर की हार वो सभी लोगों को इसके मन में ये खल रही है, विनोद जी की कमी विधानसभा में ये खलेगी और हम लोग इस पर और समीक्षा करेंगे, काम करेंगे, पार्टी को पूरे उत्तरी छोटा नागपुर में और मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे ताकि भाजपा का ये जो अभी भी कुछ कुछ इलाकों में दबदबा बना हुआ है वहाँ भी भाजपा को अलगाव में डालने के काम करेंगे। सर, पार्टी से इतर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो विधायक है कल्पना सोरेन, कहने की उनकी भूमिका बहुत अहम रही है। जिस तरह से मैया सम्मान योजना को धरातल पर उतारने का कोशिश, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से वो घरों से निकली और मैया सम्मान योजना को जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ है सरकार बनाने की। निश्चित तौर पर उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही है और ये झारखंड नहीं पूरे देश को बड़ा अच्छा लगा कि एक यंग महिला लीडर भारत के लोकतंत्र में आज के संकट के दौर में, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि कल्पना जी झारखंड के सवाल पर तो निश्चित तौर पर बोलती रहेंगी, काम करती रहेंगी, लेकिन पूरे देश में जो महिलाओं का उत्पीड़न है और ख़ासकर भाजपा के राज में जो पूरे बलात्कार और बुलडोज़र महिलाओं पर हमलावर है, इस पर भी और मुखर होकर के पूरे देश के पैमाने पर वो काम करेंगी, ये हम उम्मीद करते हैं। आपको नहीं लगता कल्पना सोरेन जैसी जो लीडर हैं वो झारखंड में और भी होनी चाहिए? बिल्कुल, झारखंड में, पूरे देश में हम लोगों को तो आज के दौर में ऐसे लीडर्स आउट चाहिए। सर, जयराम महतो के बारे में क्या कहेंगे? टाइगर के नाम से जाना जाने लगा है और उनकी जो है जिस तरह से ये काम किए हैं
जयराम महतो का नाम अब विधानसभा में जाएंगे, तो क्या लगता है कि जयराम महतो भी एक फैक्टर है मतलब ये सरकार बनाने में? अभी उनके बारे में देखिए मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि लोगों की काफ़ी उम्मीद है और लोकसभा में भी उनको अच्छा वोट मिला था, विधानसभा में भी अच्छा मिला है, खुद चुनाव जीते हैं, तो जनता की जब उम्मीद है तब उम्मीद करेंगे कि भाई जयराम महतो भी जनता की उम्मीदों के अनुरूप आगे बढ़ें और काम करें। सर क्या जयराम महतो इंडिया गठबंधन में अगर आना चाहे तो उनका स्वागत रहेगा? इस पर हम देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन में एक दल है, इस पर आप JMM से बात करें, कांग्रेस से बात करें, जो बड़े दल हैं उन लोगों से बात करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आने वाला दिन अब भाकपा माले किस तरह का प्रदर्शन करेगा बिहार में भी चुनाव? हम कोशिश करेंगे बिहार में तो जो झारखंड का जनादेश है इसी तरह का जनादेश बिहार से भी निकले, और 20 साल से वहाँ NDA की सरकार चल रही है और उस सरकार से अब लोग उब चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त निराशा लोगों में, तो बिहार में भी आशा का संचार हो, बिहार बदले। तो हम एक मुहिम चला रहे हैं वहाँ, बदलो बिहार नया यात्रा हमने निकाली थी, तो बदलो बिहार मुहिम उसको तेज करेंगे, बिहार में भी जैसे झारखंड में जनता के एजेंडे पर वोट हुआ वहाँ भी आओ, हर स्तर पर, सत्ता के स्तर पर, नीतियों के स्तर पर, समाज के स्तर पर एक बदलाव दिखे, इसके लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर, नमस्कार। ये थे दीपंकर भट्टाचार्य जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखते हुए जो है जिस तरह से जो भाकपा माले लगातार भाजपा पर हमलावर रही है, और इस हमले के चलते भी जो है कहीं ना कहीं एक असर जो है झारखंड विधानसभा चुनाव में दिखा है, और वहीं दीपंकर भट्टाचार्य ने जिस तरह से कहा है कि एक भाकपा माले का एक अच्छा प्रदर्शन रहा है विधानसभा चुनाव में, तो आने वाले विधानसभा चुनाव यानी बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस पर भी जो है भाकपा माले की फोकस रहेगी। तो रांची से GN भारत के लिए मोहन कुमार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।